हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर आई हूं, और ये रीडिंग होगी उनके लिए जिनकी राशि है एक्वेरियस यानी कि कुंभ। तो देखेंगे उनका जो अप्रैल का मंथ है वो कैसा जाने वाला है, क्या कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, पहले अपनी एनर्जी क्लीन करेंगे हम इस सिंगिंग बॉल के थ्रू, और उसके बाद फिर रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं कि जिनकी राशि है कुंभ उनका अप्रैल का मंथ कैसे जाने वाला है। काफी टाइम से वेट कर रहे हैं शायद आप लोग किसी के प्रपोजल का और शायद काफी एक्टिव भी हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्च के मंथ से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग तो आपकी काफ़ी अच्छी हुई होगी। जो मनी का जो भी प्रॉब्लम था वो तो ऑलमोस्ट सॉल्व हुआ होगा, और हाँ, रिलेशनशिप को लेकर हो सकते हैं इश्यूज हों। मैं बस बोल रही हूँ, लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे कि काफ़ी टाइम से वेट चल रहा है किसी के जवाब का, या किसी को आप प्रपोज करना चाहते हो। चलिए देखते हैं, रिलेशनशिप से जुड़े जो भी इश्यूज होंगे उन्हें देखेंगे, कैरियर से जुड़े जो भी इश्यूज हैं उन्हें देखेंगे। आपके लिए मैं देवी के मंत्र भी शेयर करूंगी कि नवरात्रि चल रही है तो किस देवी माँ को किस तरीके से पूजना है, कौन सा मंत्र चैंट करना है। साई बाबा के जो मैसेजेस हैं, एंजल्स के जो भी मैसेजेस हैं, वो सारी ही डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी आपको, वहाँ से आप लोग देख लेना और उसको फॉलो करना है आपने। ओके, थोड़ा आपको मैं कहूँगी कि एनर्जी को लो ना होने दें, ठीक है, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है तो है ऐसा कि एनर्जी लो हो सकती है। लेकिन मैं फिर भी वही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें और अपनी हेल्थ का अच्छा ख्याल रखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, मैंने कहा ना, अभी कह रही थी मैं ओ वाओ, सन का कार्ड आ गया। किसी का तो वेट कर रहे थे, मैंने कहा ना कि लव को, रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ इशू है, और देखिए आ गया। जिस पर्सन को आप लाइक करते हैं काफ़ी ज़्यादा मूडी है, ईगोइस्टिक है, आपसे बात नहीं कर रहा, आप बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, लेकिन उधर से रिप्लाई नहीं आता। ऐसे फील होता है जैसे काफ़ी उनका जो बिहेवियर है काफ़ी कोल्ड बिहेवियर है, लगता है आपको कि वो आपसे प्यार नहीं करते, है ना, ऐसा लगता है। लेकिन क्योंकि सन का कार्ड आया है तो चीज़ें बहुत ही जल्दी क्लियर होने वाली हैं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच रही हो, पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो कुछ और लोगों की वजह से, ठीक है, या कुछ झगड़ा हुआ है, तो वो जिस वजह से भी झगड़ा हुआ है वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, तो वो सब कुछ क्लियर होने वाला है। ओके, डोंट वरी, सब कुछ अप्रैल के महीने में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सो डोंट बी सैड। नई शुरुआत करना चाहता है आपका पर्सन आपके साथ, जिसका आप वेट कर रहे हो ना काफ़ी टाइम से उसका, और अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, ठीक है।
देखिए मैंने पहले भी कहा था कि मनी वाइज तो मुझे नहीं लग रहा कि मार्च का मंथ आपका बुरा रहा होगा। तो देखिए ये अबंडेंस का कार्ड है और इतने सारे पेंटिकल्स हैं, लेकिन ये देखिए क्वीन किसी का वेट करी, यानी कि किसी का ऐसे का जो उसको प्यार करे। तो ये एनर्जी है, ठीक है। अगर आप मेल हो और ये देख रहे हो तो आप सोचोगे अरे ये तो यहाँ पे क्वीन बनी हुई है तो ये मेरा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एनर्जी है, ये मेल एंड फीमेल यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कोई भी हो सकती है, ठीक है। हमारे अंदर होती हैं ये एनर्जीज, मैस्कुलिन भी होती है और फेमिनिन भी होती है, ठीक है। तो कार्ड जो है एनर्जी दिखाते हैं, जेंडर नहीं दिखाते। सो आप जिसका भी वेट कर रहे हो ना, वो पर्सन आपको प्रपोजल देगा। वो अभी तक आई थिंक कंफ्यूज था आपको लेकर, आप भी कंफ्यूज थे कि आपको रहना है कि मूव ऑन करना है कि क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो कंफ्यूजन भी आपका दूर होगा, आपको प्रपोजल मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि किसी ऐसे पर्सन से भी प्रपोजल मिल सकता है जो शायद आपसे एज में थोड़ा छोटा हो, ठीक है। कोई नया पर्सन, कोई नया बंदा या बंदी, ओके। पैसा आपके पास आने वाला है ढेर सारा। अब जैसा कि अभी कोरोना वायरस का जो भी असर है, तो मुझे ये तो नहीं लग रहा कि आप बाहर जाके कोई जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, लेकिन हाँ बिजनेस करने के और भी कई तरीके हैं, घर बैठकर भी कर सकते हो। तो ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर नहीं लग रही है रुपए पैसे की। हाँ मुझे अगर मैं देखूँ रिलेशनशिप और लव को लेकर ही लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है आपको। काफ़ी टाइम से आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हो जो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है कि आपको रहना चाहिए या चले जाना चाहिए। सो मैं बता दूं कि हाँ वो पर्सन आने वाला है। ये देखिए ये भी कार्ड वही बता रहा है, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। और जिनका भी ओ वाओ, देखिए सन का कार्ड है आपकी रीडिंग में, स्टार का भी कार्ड है, ठीक है। अभी क्या चाहिए, कुछ चाहिए? देखिए ये दोनों कार्ड एक जैसे हैं, ठीक है। आप अटके हुए थे जिनकी भी वजह से, तो वो जो भी सिचुएशन रही हो ना, वो अब सब खत्म होने वाली है। आपके पास ये दो दो कार्ड आए हैं, स्टार का कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है, व्हाट एल्स यू वांट, ठीक है ना। ये आपकी रीडिंग में आया है, ये सन का कार्ड जेमिनाई जेमिनाई की जो मैंने रीडिंग करी उसमें आया था, और आपके में आया है, लेकिन उनके में स्टार कार्ड नहीं आया था, आपके में तो स्टार भी आ गया। तो अभी क्या और चाहिए, ठीक है। अगर बहुत रो रहे हैं, उदास हैं, परेशान हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तकलीफ़ हो रही है, लोगों की बातें सुन रहे हैं, खुद का भी मन अच्छा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना, आई नो यू आर ऑब्सेस्ड, वो दिन रात आपके दिमाग में बना रहता है जो भी हो, तो इस सिचुएशन से आपको बहुत जल्दी निजात मिलने वाली है। डोंट वरी, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में, अब तो खुश हो जाइए आप, ठीक है। अप्रैल का जो मंथ है वो बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। देवी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा कीजिए, उनसे अपनी सारी समस्याएं कहिए, वो सुनेंगी आपकी। देखिए जजमेंट जजमेंट, ठीक है, जजमेंट मिलेगा आपको। अब काफ़ी टाइम से आपने जितनी भी मेहनत करी, जितना भी आपने किसी का वेट किया है ना, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, अब आएगा, ठीक है। जिसका भी आप वेट कर रहे हो, भले ही आपका एक्स हो या कोई नया बंदा आप जिसको आप चाहते हो कि लाइफ में आए, जो भी है, जो भी आपकी विश है ना, वो पूरी होने वाली है, ओके। देखिए जजमेंट का कार्ड है, आपने जो किया, जो मन्नतें आपने मांगी, जो आपने पूजा पाठ करी, जो मैनिफेस्टेशन करा, उस सब का रिजल्ट आपको अब देखने को मिलेगा। हो ओके, सो बी हैप्पी नाउ। मुझे बताना है कि क्या इशू है, ठीक है। मैं आपके जो साई बाबा के मैसेजेस हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, और एंजल्स की तरफ से भी जो मैसेजेस होंगे मैं आपको दूंगी, ठीक है। आपका मनी वाइज भी अच्छा है, आपका रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर योर सेल्फ, लव यू ऑल, बाय बाय।